Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and I am Rahul. Here I am back with another video. So today's video is about cash budget. So cash budget के बारे में आज हम discuss करने वाले हैं और उसके कुछ important adjustments मैं आपको बताऊंगा जो आपके exam में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स के बारे में एडजस्टमेंट आपके कैश बजट के रिलेटेड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. सो सेल्स हमेशा दो टाइप का होता है, वन इज़ कैश सेल्स एंड अनदर इज़ क्रेडिट सेल्स. तो कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स के बारे में आपको परसेंटेज दिए जाएंगे कि 20% 30% कैश सेल्स या क्रेडिट सेल्स है. कैश सेल्स आर डायरेक्टली प्रेजेंटेड, इसका मतलब जैसे आपको मंथ वाइज सेल्स दिया जाएगा तो कैश सेल जितना भी परसेंटेज होगा उतना परसेंटेज आपको डायरेक्टली उसी मंथ में प्रेजेंट करना है जिस मंथ का वो कैश सेल्स है. समझो आपका 1000 रुपीज़ टोटल सेल्स है एंड 10% उसमें से कैश सेल्स है, तो 10% कितना होगा 1000 का, 1000 का 10% इज़ 100 रुपीज़. तो आपका 100 जो रहेगा वो आपको कहाँ पे प्रेजेंट करना है, उसी मंथ में प्रेजेंट करना है जिस मंथ का वो सेल्स है. एंड रिमेनिंग जो रहेगा वो दैट इज़ योर क्रेडिट सेल्स. तो 10% अगर आपका कैश सेल्स है तो बैलेंस रिमेन्स 90% आपका क्रेडिट सेल्स रहेगा. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम दिस इज कैश सेल्स आर प्रेजेंटेड डायरेक्टली इन द मंथ विच इट ऑकर्स. ओके, दैट इज द कैश सेल्स एडजस्टमेंट. द अदर विच रिमेन्स इज क्रेडिट सेल्स. क्रेडिट सेल्स को एक हम दूसरे नाम से जानते हैं विच इज कॉल्ड एज कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स. सो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स एक बेस वर्ड है. अभी मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, अगर आपका टोटल सेल्स 100 है एंड आपका कैश सेल्स 20% है, आपका क्रेडिट सेल्स कितना बनेगा फिर, बैलेंस 80%. 100 में से 20% अगर आप देखोगे तो 20 रुपीज़ आपका कैश सेल्स बन जाएगा एंड रिमेनिंग बैलेंस 80 रुपीज़ विल बी योर क्रेडिट सेल्स. तो एडजस्टमेंट हमेशा क्रेडिट सेल्स के ऊपर ही आता है जिसको हम कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स के नाम से जानते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज द एडजस्टमेंट विच इज़ बीन आस्क इन एवरी ऑफ द क्वेश्चन एंड दैट इज आउट ऑफ द टोटल सेल्स क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड इन द फॉलोइंग मंथ. तो ये वर्ड जो फॉलोइंग मंथ है वो आपको काफ़ी ध्यान रखना है. फॉलोइंग मंथ का मतलब होता है, समझो फॉर एग्जाम्पल जनवरी अगर हम मंथ लेंगे तो जनवरी इज फॉलोइंग मंथ विल बी फेब्रुवरी. तो जनवरी का जितना भी आपका कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हम काउंट करने वाले हैं, जनवरी का जितना भी आपका क्रेडिट सेल्स होगा वो आपके फेब्रुवरी के मंथ में रिकॉर्ड होगा, दैट इज़ द फॉलोइंग मंथ. तो जैन का फॉलोइंग मंथ इज़ फेब, फेब का फॉलोइंग मंथ इज़ मार्च, मार्च का फॉलोइंग मंथ इज़ अप्रैल. तो वेन एवर द फॉलोइंग मंथ कम्स वी हैव टू राइट इन द नेक्स्ट मंथ. तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, अगेन द सेम एग्जाम्पल, टोटल सेल्स अगर आपका 10,000 है और आपका कैश सेल्स 20% है तो 10,000 का 20% विल बी 2,000 रुपीज़ एंड क्रेडिट सेल्स आपका बैलेंस 80% रहेगा विच इज़ 8,000. सो ये जो 8,000 है, ये 8,000 अगर हमको ऐसा एडजस्टमेंट आया इज कलेक्टेड इन द फॉलोइंग मंथ, तो आपको ये 8,000 जो है वो अगले मंथ में रिकॉर्ड करना है. द नेक्स्ट एडजस्टमेंट विल बी ऑन द क्रेडिटर्स विच विल बी रिलेटेड विद मटीरियल्स और परचेजेस. तो आपको अगर मटीरियल्स या परचेजेस नाम दिया है तो आपको क्रेडिटर्स के साथ रिलेट करना है. क्रेडिटर्स विल बी रिलेटेड विद द परचेजेस. परचेजेस में भी वैसे ही एडजस्टमेंट है, टोटल परचेजेस आपको दिए जाएंगे क्वेश्चन में एंड वी विल हैव एन एडजस्टमेंट ऑन कैश परचेजेस सिमिलर एज 10% विल बी कैश परचेजेस एंड द बैलेंस विल बी क्रेडिट परचेजेस. क्रेडिट परचेजेस को यहाँ पे हम एक नए नाम से जानेंगे और नाम याद रखेंगे विच इज़ कॉल्ड पेमेंट टू क्रेडिटर्स. तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स हमारा आउटफ्लो है एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हमारा इनफ्लो है. तो कैश बजट में इनफ्लो में आपके इनकम रिकॉर्ड होंगे विच विल बी रिलेटेड विथ कैश सेल्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, और आउटफ्लो में आपका क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड होगा विच इज़ कॉल्ड पेमेंट टू क्रेडिटर्स. एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो आपके हर क्वेश्चन में आपको देखने मिलेगा विच इज़ कॉल्ड लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड्स. लैग का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग. अगर आपको ऐसा एडजस्टमेंट आया लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड्स इज हाफ मंथ, तो आपको क्या करना है, हाफ उसी मंथ में लिखना है, हाफ नेक्स्ट मंथ में लिखना है. समझो 10,000 आपका वेजेस है और जैन फेब ऐसे आपके मंथ्स है, तो 10,000 का हाफ 5,000 आपको जनवरी में लिखना है, रिमेनिंग 5,000 आपको फेब्रुवरी में लिखना है. वेन एवर ऐसे आएगा फ्रैक्शन टाइप, 1/4 मंथ आएगा तो 1/4 का क्रेडिट पीरियड होगा, 1/4 आपको अगले महीने में लिखना है और जो बाकी बैलेंस बचेगा 3/4, 4-1 विच विल बी 3/4 आपको उसी मंथ में लिखना है, 1/4 नेक्स्ट मंथ, 3/4 ड्यूरिंग द मंथ.
तो दिस वॉज द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स करो एंड वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, सो दैट उनको भी ये एडजस्टमेंट्स जो रहेंगे, उसका जो डाउट्स रहेंगे वो क्लियर हो जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इफ यू नॉट।